तस्वीर देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, पोलिंग बूथ पर जैसे ही 7 बजे सीधे वोट डालने के लिए पहुंच गए गिरिराज सिंह। हमारे सहयोगी शशांक यहीं पर मौजूद हैं। अच्छा देखिए, गिरिराज सिंह जो हैं वो चुनाव बेगूसराय से लड़ रहे हैं, 2019 में भी इस सीट से जीते थे, एक बार फिर से यहीं से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन वोटर बेगूसराय में नहीं है गिरिराज सिंह, सीधे शशांक के पास आपको लेकर चलेंगे। शशांक, गिरिराज सिंह वोटर मुंगेर के, वहीं पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, बढ़िया। जो है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो गिरिराज जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। मतदान केंद्र पर सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, अभी अंदर गए हैं और अभी वोट देंगे। लेकिन इनका जो क्षेत्र है जहाँ से ये उम्मीदवार हैं बेगूसराय, वहाँ भी आज ही वोटिंग होनी है। वहाँ मुकाबला अवधेश राय से है, वाम दल के हैं, CPI के। और मुंगेर में ललन सिंह उम्मीदवार हैं NDA के, उनका मुकाबला अनीता देवी से है जो RJD के उम्मीदवार हैं, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। आपको हम मतदान केंद्र की बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरिराज का घर भी पास में है और सुबह से वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से वो सीधा बेगूसराय निकल जाएंगे। अभी वोट देके जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे हम बातचीत भी जो है करने की कोशिश करेंगे। और दोनों हॉट सीट है, बेगूसराय भी और मुंगेर भी। वोट डालने के लिए तो बताइए जरा। अभी देखिए अभी 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 गिरिराज अकेले आए हैं, परिवार का कोई साथ में नहीं है, उनके PS वगैरह हैं यहाँ पे। गिरिराज अभी अकेले हैं, देखिए अभी अंदर कमरे में वो गए हैं, अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे बाहर निकलेंगे तो बात करने की आप कोशिश कीजिएगा। फिलहाल गिरिराज सिंह जो हैं वो मुंगेर में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां से NDA की तरफ से उम्मीदवार JDU के ललन सिंह हैं। और खुद गिरिराज सिंह वो बिहार की बेगूसराय सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में BJP के उम्मीदवार के तौर पर। ये जो बेगूसराय सीट है, एक तरीके से इसको पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता है। और इसकी खासियत क्या है, इसके सियासी समीकरण क्या कहते हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी शीरिन के पास। शीरिन, बिल्कुल रोमाना, बेगूसराय महत्वपूर्ण है और किस तरीके से देखिए ये खास हो जाती है जल्दी से। इसका पूरा सियासी समीकरण है क्या इस सीट का, वो अब अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह BJP के बेगूसराय से उम्मीदवार, चौथे फेज के VIP उम्मीदवार हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, लगातार 2 बार के सांसद बेगूसराय से। गिरिराज सिंह हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनके बयान कई बार इस दिशा में होते हैं साफ तौर पर। तो गिरिराज सिंह जो VVIP उम्मीदवार चौथे चरण के, आप देखिए उनका मुकाबला पुराने कम्युनिस्ट नेता अवधेश राय, CPI के नेता, इनके साथ यहां पर है। लगातार 2 बार के सांसद गिरिराज सिंह और 3 बार के विधायक अवधेश राय यहां से रहे हैं। तो अवधेश राय 3 बार के विधायक जो टक्कर देते नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह को, तो ये बेगूसराय का इस वक्त समीकरण। लेकिन तस्वीरें भी आ गई, बाहर यार यहाँ देखिए। बिल्कुल, गिरिराज सिंह अपने बूथ पर, अपने गांव पर हर साल सबसे पहला वोट डालते हैं। एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई। तो गिरिराज सिंह ये बताइए, इस बार भी आपने पहला वोट, जरा उंगली दिखा दीजिए। तो गिरिराज सिंह ने वोट डाल दिया है, स्याही लगी उंगली का निशान मीडिया को दिखाते हुए। और गिरिराज सिंह ने वोट, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ, वोट डाला है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। और खुद उम्मीदवार बेगूसराय से, सुनिए जरा पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बढ़िया से लेकर के मुंगेर बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत। बहुत अच्छी तस्वीर है, मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग
जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं जादवों से अपील करूंगा, कुर्मी कोयरी पिछड़े निषाद सबसे अपील करूंगा, एससी एसटी कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। तो बेगूसराय से उम्मीदवार गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, वोटर से वोट डालने की अपील करते हुए, और खुद बेगूसराय से उम्मीदवार हैं, वोट मुंगेर में डाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।